बच्चों, लेसन के लास्ट में एक फ़ोटो के साथ आपको पोइम दी गई है। ये पोइम चूहे और चीज़ के बारे में है, और इस पोइम की खास बात यह है कि ये पोइम प्रीपोजिशन के वर्ड को इस्तेमाल करके बनाई गई है। तो आइए पढ़ते हैं। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अनुपम चौहान और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका कि नाम है लर्न एंड शाइन विद अनुपम। बच्चों, लेसन में आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले एक एक्टिविटी पर नज़र डाल लेते हैं कि उसमें क्या बताया गया है। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें लिखा हुआ है कलेक्ट एंड पेस्ट पिक्चर्स, यानी कि पिक्चर्स को कलेक्ट करो, यानी ये इकट्ठी करो और उनको पेस्ट करो, ऑफ सम डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स। डोमेस्टिक मीन्स जो हम लोग के पेट एनिमल्स होते हैं, जिनको हम लोग पालते हैं किसी न किसी काम की वजह से, एंड वाइल्ड एनिमल्स और जो जंगल में रहते हैं, बहुत ही डेंजरस होते हैं, जिनको हम पाल नहीं सकते, वो जंगल में रहते हैं, उनकी फ़ोटो और डोमेस्टिक एनिमल्स की फ़ोटो इन योर नोटबुक। अपनी कॉपी पर इनकी पिक्चर्स आपको स्टिक करनी है एंड राइट देयर नेम्स अंडर देम, और उनके नाम उनकी पिक्चर्स के नीचे लिखने हैं। इस एक्टिविटी में आप बहुत कुछ सीखेंगे, जैसे कि पिक्चर्स को कैसे कलेक्ट करना है, कैसे उनको स्टिक करना है। अपने नन्हे नन्हे हाथों से आप छोटा सा काम करके देखिए, जैसे मैम आपके लिए बहुत सारे TLM बनाती हैं, उसी चीज़ में आपका ये छोटा सा प्रयास है कि आप छोटी छोटी चीज़ें इससे करना सीखेंगे। यहाँ से आपकी स्टार्टिंग है बनाने की, ठीक है। तो ये आप बनाइए और अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखिए, जिसका वर्क यानी कि ये एक्टिविटी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ही मैम उसको ज़्यादा स्टार देंगी। ओके, ये तो हुआ हमारा एक्टिविटी वर्क। अब लेसन के नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या बताया गया है। बच्चों, ये है हमारे सामने लेसन की लास्ट एक्सरसाइज, जिसका कि नाम है लीजर टाइम। लीजर टाइम मीन्स फुर्सत का समय, यानी कि ऐसा समय जब हम लोग कोई भी स्पेशल काम नहीं कर रहे होते हैं, वो एकदम फ्री होते हैं और उस समय हम लोग जो भी चाहें ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें हम लोग को एंजॉय फील हो, यानी कि कम्फर्टेबल फील हो, साथ में हमको कुछ अलग करने का, जिसमें हम लोग को कोई फोर्स नहीं करता काम करने के लिए, हम वो काम अपने मन से करते हैं। किसी को हो सकता है पोइम पढ़ना पसंद हो, किसी को कहानियाँ पढ़ना पसंद हो, किसी को रीडिंग या फिर राइटिंग या ड्राइंग पसंद होती है, ठीक उसी तरह से ये भी है। ये एक पोइम है और इस पोइम में आपको एन्जॉयमेंट के साथ साथ ही आपको प्रीपोजिशंस भी याद करने के लिए दी गई हैं, तो इसमें आप खेल खेल में आप प्रीपोजिशंस याद कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। फोर लिटिल माइस बिकेम वेरी हंग्री वन नाइट। फोर लिटिल माइस मीन्स, फोर मीन्स चार, लिटिल माइस मीन्स छोटे चूहे। जब एक चूहा होता है तो उसको माउस कहते हैं, और जब ज़्यादा चूहे होते हैं तो माइस कहते हैं, यानी कि ये माउस का प्लूरल फॉर्म है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, चार चूहे हैं छोटे छोटे, और चूहों का तो नेचर ही होता है शैतानी करना। तो चार चूहे छोटे छोटे बिकेम वेरी हंग्री वन नाइट, यानी कि बिकेम माने हुए, वेरी हंग्री बहुत भूखे, वन नाइट मीन्स एक रात को, यानी एक रात को इन चूहों को, चार चूहों को बहुत ज़्यादा भूख लगी। देन क्या हुआ, इन टू द किचन दे हरीड एंड इन अ कॉर्नर अ चंक ऑफ चीज़ दे स्पाइड। इन टू द किचन यानी कि वो किचन में गए, एंटर किया उन्होंने, तो जब एंटर करते हैं किसी चीज़ में तो उसके लिए इन टू का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ये रेड कलर से जो लिखा हुआ है वो है प्रीपोजिशन इन टू। इन टू द किचन दे हरीड, किचन यानी कि रसोई घर में वो गए, हरीड मीन्स जल्दी से, क्योंकि उनको भूख लगी थी वो जल्दी से भाग के गए कि कुछ तो मिल जाए खाने के लिए। एंड इन अ कॉर्नर, एंड मीन्स और, इन मीन्स में, कॉर्नर मीन्स कोना, और कोने में, ये इन यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ठीक है। रेड कलर वाले जितने भी हैं वो सब प्रीपोजिशन है। एंड इन अ कॉर्नर, कॉर्नर में उनको अ चंक ऑफ चीज़, चीज़ का टुकड़ा मिला। चंक मीन्स टुकड़ा और चीज़ मीन्स पनीर, यानी कि पनीर का टुकड़ा मिल गया। दे स्पाइड, स्पाई मीन्स होता है जासूसी करना, और स्पाइड मीन्स यहाँ पर सेंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा कि उन्होंने पता लगा लिया कि ये टुकड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है तो इससे हमारा काम चल जाएगा। अब चीज़ का टुकड़ा मिल गया, फिर क्या हुआ, टू वेंट अंडर द चीज़ एंड निबल्ड फ्रॉम बिलो। टू मीन्स दो चूहे, वेंट मीन्स गए, अंडर द चीज़ यानी कि जो चीज़ का पीस था उसके नीचे गए, एंड निबल्ड फ्रॉम बिलो, निबल्ड मीन्स होता है कुतरना और बिलो मीन्स होता है नीचे, अंडर मीन्स भी नीचे, ठीक है।
दो चूहे नीचे गए, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, इसमें दो चूहे नीचे गए और उन्होंने उनको नीचे से खाना या कुतरना चालू कर दिया पीस को। अनटिल दे मैट, अनटिल यानी जब तक, दे मैट वो मिल नहीं गए, हाफ वे यानी कि आधे रास्ते, थ्रू माने उसके सहारे, एक इधर से खा रहा था एक इधर से खा रहा था, तो खाते खाते जब तक वो मिल नहीं गए तब तक उसको खाते रहे। वन सेट ऑन द चीज़ एंड एट मच मोर फ्रॉम अबव। वन सेट, एक चूहा बैठ गया ऑन द चीज़, ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन है, चीज़ मीन्स ये पनीर का टुकड़ा, और ये चूहा सबसे ऊपर बैठ गया इसके ऊपर राजा की तरह एकदम, एंड एट और खा गया मच मोर यानी कि मोस्ट ऑफ पार्ट, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट वो अकेले खा गया, फ्रॉम अबव ऊपर की तरफ से, ये देख रहे हैं आप, ये जगह खाली कर दी इसने खा खा कर। द फोर्थ वॉच्ड देम बिसाइड, ये जो फोर्थ वाला जो चूहा था वो बेचारा पीछे से बैठकर देखता ही रह गया, उसने कुछ खा ही नहीं पाया। बिसाइड मीन्स पीछे, ये भी प्रीपोजिशन है। फॉर ही कुड फाइंड नो प्लेस इनसाइड, क्योंकि उसको चीज़ के टुकड़े में कहीं भी एंटर करने की, इनसाइड मीन्स अंदर की तरफ, उसको कहीं जगह ही नहीं मिली। एक यहाँ खा रहा है, एक यहाँ खा रहा है, एक यहाँ खा रहा है, अब तो पनीर में कुछ बचा ही नहीं खाने के लिए, क्योंकि उन्होंने जल्दी जल्दी से खाकर उसको इतना ख़त्म कर दिया था कि इसके लिए कुछ बचा ही नहीं। तो ये थी इन छोटे चूहों की करामात, आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। ये था लेसन इन द ज़ू का लास्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन सारी अपडेट्स टाइमली मिल सकें।